नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। वेदर अपडेट, केलांग के बाद कल्पा का न्यूनतम पारा भी माइनस में। टीकाकरण वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में गोवा से पिछड़ा हिमाचल। कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज में देश में पहले स्थान पर आने वाला हिमाचल दूसरी डोज में गोवा से पिछड़ गया है। गोवा में दूसरी डोज 83% लोगों को लग चुकी है, जबकि हिमाचल में अभी 75% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। हालांकि हिमाचल सरकार ने 30 नवंबर तक दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोगों को घर घर वैक्सीन लगाने और पंचायतों में 100% वैक्सीन का टारगेट पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया है। महिला आईपीएस अफसर का खो गया कीमती पैन ढूंढने में लगा दी पुलिस। जिला मुख्यालय कुल्लू में पुलिस भर्ती करवाने आई हिमाचल प्रदेश पुलिस की एक महिला आईपीएस अधिकारी का महंगा पैन गुम हो गया। इसे ढूंढने के लिए पुलिस के जवान लगा दिए गए। हालांकि पैन का पता नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस अधिकारी का गुम हुआ पैन चर्चा का विषय बन गया है। गुम हुए पैन की कीमत हजारों में बताई जा रही है। वहीं पैन तलाशने में जुटे पुलिस कर्मचारियों ने ढालपुर में कई दुकानों में जाकर पूछताछ की, यहाँ तक कि दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। बताया जा रहा है कि बतौर कमांडेंट महिला आईपीएस अधिकारी पिछले कुछ दिनों से कुल्लू में चल रही पुलिस भर्ती की ड्यूटी में आई हैं। शिमला से हरिद्वार रवाना, स्वर्ण आयोग के गठन के लिए 800 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने सरकार के खिलाफ 800 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू की है। यह पद यात्रा सोमवार को शिमला से शुरू हुई। इसका नाम स्वर्ण आयोग अधिकार पद यात्रा रखा गया है। प्रदेश में लंबे समय से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की जा रही है। सोमवार को शिमला से हरिद्वार के लिए पद यात्रा शुरू की गई। जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी, एससी एसटी एक्ट और अन्य स्वर्ण समाज विरोधी नीतियों की शव यात्रा भी निकाली गई। दिन भर बंद रही 102 एम्बुलेंस सेवा, अब 30 तक सेवाएं देंगी जीवीके कंपनी। हिमाचल में 102 एम्बुलेंस का करार खत्म होने के बाद सोमवार दोपहर 4 बजे तक गर्भवती और प्रसूता महिला परेशान रही। उन्होंने अस्पताल पहुंचने और डिस्चार्ज होने के बाद घर लौटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर कंपनी का कॉल सेंटर बंद रहा। वहीं शाम के समय स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, एनएचएम के निदेशक और जीवीके कंपनी के अधिकारियों की वार्ता सिरे चढ़ी और 102 एम्बुलेंस सेवा बहाल हुई। अब कंपनी 30 नवंबर तक सेवाएं देने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि लेट लतीफी के चलते रविवार देर शाम से बंद एम्बुलेंस सेवा से सोमवार सुबह से दिन भर महिला मरीजों को परेशान होना पड़ा। सीआईडी को मिली बड़ी कामयाबी, एक दर्जन बागवानों के साथ 7 करोड़ हड़पने वाला मुंबई से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के बागवानों से ठगी करने वालों पर कार्रवाई करने वाली सीआईडी की एसआईटी को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने कोटखाई के रहने वाले एक बड़े जालसाज को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सूबे के एक दर्जन आढ़तियों और बागवानों की करीब 7 करोड़ से ज़्यादा की राशि हड़पने का आरोप है। वहीं कहा जा रहा है कि बागवानों और आढ़तियों से ठगी करने वाला ये हिमाचल का अब तक का सबसे बड़ा जालसाज है। इसके अलावा पकड़े गए आरोपी का नाम संदीप मेहता उर्फ सैंडी है। कोटखाई का रहने वाला सैंडी सोलन में आर्ट चलाता था और अन्य क्षेत्रों के आरतियों और बागवानों से उधार में सेब खरीदकर बेचने का काम करता था। 2015 से 2018 के बीच इसने कई बागवानों को रकम अदायगी के लिए चेक दिए, जो बाद में बाउंस हो गए। ऐसे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा मामलों में रामपुर, रोहड़ू, जुब्बल, कोटखाई, ठोक व सोलन समेत कई जगह की कोर्ट से यह वांछित भी चल रहा था। 10 महीने बाद दिया सिर्फ 4 माह का वेतन। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 10 महीने बाद मात्र 4 महीने का वेतन दिया जा रहा है। मात्र 5 से 5,500 मासिक वेतन पर रखे गए इन कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। इससे पहले भी जल शक्ति विभाग नादौन तथा धनेटा के तहत आउटसोर्स कर्मचारी मांगों को लेकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। हाई कोर्ट अदालत में ऐसे वादी के लिए कोई जगह नहीं जिसे न्यायपालिका पर विश्वास नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में लोगों का विश्वास न केवल जनहित में है, बल्कि समाज के हित में भी सर्वोपरि है।
लोगों के इसी विश्वास को बनाए रखने का दायित्व वकीलों, न्यायाधीशों, विधायकों और अधिकारियों का बनता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले ऑर्डर को चुनौती देने वाले याचिका को खारिज करते हुए कही। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय में ऐसे वादी के लिए कोई जगह नहीं है जिसका न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। वहीं इस मामले के अनुसार HRTC मंडी में तैनात ड्राइवर दीपकराज शर्मा को 28 अगस्त 2020 को जारी आदेशों में प्रभारी ड्राइवर ड्यूटी की नियुक्ति दी गई थी, जिन्हें अगले ही दिन वापस भी ले लिया गया था। अपराधी ने इन नियुक्ति आदेशों को वापस लेने वाले आदेशों को हाईकोर्ट में यह कहकर चुनौती दी कि उसके पोस्टिंग आदेश राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते वापस लिए गए हैं और किसी अन्य ड्राइवर को इंचार्ज ड्यूटी तैनाती दी गई है। हिमकेयर कार्ड सरकार ने दी बड़ी राहत, 1 जनवरी से बनेंगे हिमकेयर कार्ड। हिमाचल सरकार की हेल्थ केयर योजना के तहत हिमकेयर कार्ड का पंजीकरण 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। यह पंजीकरण 31 मार्च तक चलता रहेगा। इस दौरान प्रदेशवासी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज के लिए अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। स्वास्थ्य सचिव अमिता अवस्थी ने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया कि योजना के अंतर्गत पंजीकरण नवीनीकरण करवाएं ताकि बीमारी के समय उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। अमिता अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में जो परिवार आयुष्मान भारत में कवर नहीं है उनके लिए प्रदेश ने मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिमकेयर का शुभारम्भ वर्ष 2019 को किया था। निदेशालय में बैठक, प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर अड़े शिक्षक। शिक्षा विभाग में प्रवक्ता से प्रधानाचार्य की पदोन्नति का कोटा 60% करने पर शिक्षक अड़ गए हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ ने उच्च शिक्षा निदेशक को मुख्यमंत्री जयराम की घोषणा को याद दिलाते हुए इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की है। वहीं संघ का कहना कि 19,000 प्रवक्ताओं के लिए मात्र 750 पदोन्नति पद न्यायसंगत नहीं है। पहले दिन पहली दूसरी कक्षा के 65% बच्चे पहुंचे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। सोमवार को पहले दिन स्कूल पहुंचे नौनिहालों का शिक्षकों ने कहीं तिलक लगाकर स्वागत किया तो कहीं टॉफियां भी बांटी गई। बच्चों ने भी तोतली जुबान में शिक्षकों को गुड मॉर्निंग कहा। पहली के बच्चों ने पहली बार तो दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों ने करीब 1.25 वर्ष बाद स्कूल परिसर में प्रवेश किया। सितंबर से कम हो अनुबंध कार्यकाल, अधिकतर कर्मचारी मार्च में पूरा कर चुके हैं 2 साल। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने 30 सितंबर से अनुबंध कार्यकाल को घटाने की मांग की है। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विन ठाकुर और सचिवालय सेवाएं प्रशासनिक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोबी और महासचिव महेश शर्मा ने बताया कि अधिकतर अनुबंध कर्मियों का अनुबंध कार्यकाल 31 मार्च 2021 को 2 वर्ष का पूरा हो चुका है। वर्तमान में यदि सरकार 30 सितंबर 2021 से अनुबंध कार्यकाल घटाने के लाभ अनुबंध कर्मियों को देती है तो इससे आंशिक राहत अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगी। वहीं अनुबंध कर्मचारियों का विश्वास वर्तमान भाजपा सरकार में बना रहेगा। लिपिक वर्ग को सरकार की बड़ी सौगात, प्रमोशन के लिए घटाई ये शर्त। लंबे समय से कर्मचारियों की लंबित एक महत्वपूर्ण मांग को मानते हुए जयराम सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने लिपिक और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वर्ग के हजारों कर्मचारियों के वरिष्ठ सहायक बनने के लिए नियमित सेवाकाल की 10 साल की शर्त को 3 साल कम कर दिया है। वहीं अब 7 साल का नियमित सेवाकाल पूरा करने के बाद संबंधित कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएंगे। अभी तक कर्मचारियों को पहले 3 साल अनुबंध सेवा और उसके बाद 10 साल का नियमित सेवाकाल पूरा करना जरूरी होता था। 13 साल की सेवा के बाद वो प्रमोशन के लिए पात्र बन पाते थे। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की ओर से इस अनुबंध काल को नियमित सेवा काल की शर्त में समाहित करने की मांग उठती रही थी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।